दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मॉड्यूलर बॉक्स के बारे में, तो उसकी साइज क्या रहती है और कितने साइज का है, कैसे पता करेंगे हम कि ये 4 मॉड्यूल का है या 5 मॉड्यूल का है या 6 मॉड्यूल का है, तो हम इसकी साइज कैसे पता करेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं। ये हमारे पास है मॉड्यूलर बॉक्स। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये 2 की साइज का है। ये 3, 4, 6, 8, 8 स्क्वायर, 12 और 18। तो अब ये इसकी साइज कैसे पता करेंगे, जैसे 2 मॉडल का बॉक्स है तो इसकी साइज हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 मॉडल का ही है। तो इसके लिए हम बात करते हैं मेजर टेप से। तो ये जो बॉक्स है इसकी साइज है 3x3 की। दोस्तों देखिए, 3x3 का बॉक्स है, ये 2 मॉडल का बॉक्स है 3x3 का। और जो हमारे 3 मॉडल का बॉक्स आएगा, 3 मॉडल का बॉक्स आएगा, ये आएगा 4x3 का आएगा दोस्तों, ये 4x3। तो ये 3 मॉडल का बॉक्स है 4x3 का। इसके बाद आता है 4 मॉडल का बॉक्स, ये रहेगा 5.5 इंच का लंबा और 3 इंच का वही चौड़ा। तो ये 4 मॉडल का बॉक्स है, जो 5.5 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये 4 मॉडल का बॉक्स है, ये 6 मॉडल का बॉक्स है। तो हम इसकी कैसे इसकी लंबाई नाप लेते हैं पहले। तो ये आ रहा समथिंग 8 इंच का बॉक्स है और 3 इंच इसकी वही मोटाई है चौड़ाई। तो ये 6 मॉडल का बॉक्स है, ये 8 मॉडल का हॉरिजेंटल बॉक्स लंबा वाला। तो इसकी लंबाई नाप लेते हैं, ये 9 इंच का बॉक्स है लंबा और 3 इंच चौड़ा है। और ये भी 8 मॉडल का ही बॉक्स है, लेकिन ये स्क्वायर में है। ये और ये 8 मॉडल, दोनों 8 मॉडल के बॉक्स ही है। अगर आप ये वाला लगाना चाहें तो ये वाला लगा सकते हैं, और आप लंबा वाला लगाना चाहें तो लंबा वाला लगा सकते हैं। तो इसकी मैं साइज बता देता हूँ, ये 5.5x5.5 का है स्क्वायर का। तो ये 8 मॉडल का बॉक्स है। और इसके बाद बात करते हैं 12 मॉडल के बॉक्स की। ये 12 मॉडल का बॉक्स है, तो इसकी जो लंबाई है वो 8 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 है। तो 8 और 5, इसको हम 8x5 बोल सकते हैं। तो ये 12 मॉडल का बॉक्स है। और ये है 18 मॉडल का बॉक्स। तो इसकी साइज देख लेते हैं हम, ये इसकी साइज है 7.5x8, 8.5 तो ये चौड़ा है और 8 ये है। तो ये हो गया 7.5x8 का बॉक्स है, 18 मॉडल का। ये सारे बॉक्स हो गए। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप सभी बॉक्स की साइज को पता कर सकते हैं, उसको इंच टेप से नाप कर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।